मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि सानी जी जो चांदी चौक के यही सच्चाई है एमएलए हैं, उनके बेटा पुनर्जीत सिंह का फोन आ रहा है, आप बेल सुन सकते हैं और देख सकते हैं। सर सुनाई दीजिए, आम आदमी पार्टी, आप आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के ऑन करो, आम आदमी पार्टी के चांदी चौक करो, इनको एक्सपोज ऑन करो, आप देख लीजिए आप वो मुझसे फोन पे वो भी समझते हैं कि वो क्या मुझसे बात कर नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा दीप से, जो सानी जी के बैठे हैं चांदनी चौक के एमएलए फिर आया दोबारा, यही सच है साथियों, यही सच है। मैंने कहा कांग्रेस के जो पुराने पुराने जो इस तरह के लोग थे, आज वो अपने रिश्तों को रख करके कांग्रेस के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, जिसका प्रयोग अरविंद केजरीवाल करा रहे हैं और यहाँ से नहीं करें। ये सानी जी के सपुत्र लगातार कांग्रेस के पार्षदों को उनको यही काम दिया है, खुद चुनाव हार गए पर दूसरों को तोड़ के लाने की जिम्मेवारी इसके सारे, ये पूछिए नहीं ये पूछिए कि ये सानी जी जो है चलिए एक सेकेंड सिद्धार्थ जी रिपोर्ट, कांग्रेस के पार्षद देखिए सिद्धार्थ जी जैसा अली जी ने कहा ये स्वाभाविक सी बात है, हम लोग अरविंद से लड़े, अरविंद के उस व्यवहार के खिलाफ लड़े जिस अरविंद ने इस दिल्ली को भगवान गुरु से छोड़ा, खासतौर से सीएनआरसी का मसला हो, मरकज का मसला हो, दंगे का मसला हो, और ये बात मैं ईमानदारी से दावे के साथ कहता हूँ, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ इस दायित्व को निभाया, हमने सवाल ही नहीं पूछे, हमने उसको हर मोर्चे पे घेरा और उसका नतीजा रहा है कि जनता ने हमें मैंडेट दिया है, माइनॉरिटी के साथियों ने मैंडेट दिया, खासतौर से वो एरिया जो प्रभावित रहा, चाहे ओखला हो, सीलमपुर हो, चांद बांगर हो, या आपका जो है मुसलमान हो, लेकिन हाँ जब आदमी जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार का एक रॉस दिखाया जा रहा है, काम के नाम पर, फजर फंड के नाम पर, विकास के नाम पर, तो कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल में कई बार साथी आ जाते हैं, चलो छेद कर अपॉइंटमेंट करना है, लेकिन हाँ उन्होंने गलती स्वीकार कर ली है, मुझे लगता है जनता का फैसला जो अरविंद के खिलाफ आया है उस फैसले के साथ मेरे साथी फिर से अपने इस कांग्रेस का झंडा लेकर खड़े हुए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। अपना जेल के अंदर आप अभी तक क्यों नहीं कोई ऐसा आप लेके जाते हैं गवर्नर के पास, ऐसा अभी तक आपने काम क्यों नहीं किया? सर माफ करना, जो अरविंद जो तानाशाही बैठा किसी की सुन रहा है वो तो अभी भी अपने मंत्री को मंत्री बना के बैठा है सर, इसमें हमारा सवाल ये है सर, सर एक सेकंड सुनिए ना, मैं तो हरदीपपुरी पे गया, मैं तो आपने सवाल पूछे जवाब दे दीजिए सर, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं एलजी से मिल के आया, मैंने शौचालय घोटाला खोला, मैंने शराब मंत्री के खिलाफ कंप्लेन की, सीबीआई में भी दी, मैं हरदीपपुरी के पास गया, यही सुभाष चोपड़ा जी थे, हम सब साथ थे, तो आप ये हमसे पूछ रहे हैं, हम तो लगातार, लेकिन एक भाजपा के मोदी जी और तानाशाही अरविंद केजरीवाल जनता को समझ का रहे हैं, आज आपको लगता है राजनीति में क्या विपक्ष की आवाज को सुना जा रहा है? विपक्ष का जो रोल होता था वो सरकार को जगाना होता था, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस ड्यूटी को निभा रहे हैं, विपक्ष की उस भूमिका में सरकार को आंख खोलने का हम काम कर रहे हैं, इनकी आंख नहीं खुली तभी तो उन क्षेत्र से अरविंद हार के आए हैं जिनके साथ इसने अन्याय किया, और अभी भी नहीं सुधरे तो आप लिख के ले लीजिए कि पार्लियामेंट अरविंद केजरीवाल हारेंगे, विधानसभा अरविंद केजरीवाल हारेंगे, क्योंकि ये इस मुल्क की राजधानी है दिल्ली, इसमें तमाम धर्म जाति के लोग रहते हैं, आपको सम्मान करना पड़ेगा जनता का, और आपने जो पिछले दिनों किया आज उसी का नतीजा है कि एक बड़ा वर्ग आपको छोड़ गया, आपसे विश्वास हट गया, इस पूरे चुनाव में यदि आप देखेंगे किसी का वोट घटा है तो अरविंद केजरीवाल का वोट घटा है, लगभग 11% वोट घटा है, और यदि किसी का वोट बढ़ा है तो कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ा है, ये भी आपको कहना चाहता हूं, और यदि आप यदि थोड़ा इसको समीक्षा करें तो इसमें पाएंगे कि बड़ा वर्ग दलित का निकला है, और वो दलित वर्ग जो निकल के आया वो कांग्रेस पे जाकर के वोट देकर के आया, माइनॉरिटी यदि निकला है तो वो कांग्रेस पे जाकर के अपना विश्वास दिखा रहा है, राहुल जी पर कांग्रेस पे विश्वास दिखा रहे हैं, और मैं क्योंकि मैं राजनीति में रहा हूं और हम सब जानते हैं जब सरकार कहीं होती है तो उसको एक लाभ मिलता है, अरविंद को उसका लाभ मिला है, जनता बीजेपी से त्रस्त थी, उसको बिल्कुल मारना और हराना चाहती थी, उसको मारा और हराया, लेकिन सत्ता में बैठा एक व्यक्ति बार बार रोना रो रहा था, बार बार अपने आंसू बहा रहा था, अपने आप को प्रताड़ित बता रहा था, विक्टिम कार्ड खेल रहा था, जनता ने उसकी तरफ
फैसला ले लिया, लेकिन ये इशारा कर रहा है कि हम आपको जिता जरूर है अरविंद, लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद से खुश नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। आपका हो गया, आपका हो गया, तीन हो गए। अली भाई, अरविंद केजरीवाल से भी आपकी मुलाकात हुई कल सामने, क्या कुछ बातें हुई थी? और आपका दूसरा मेरा सवाल ये है कि जनता के भारी विरोध के बाद देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जो बात हुई थी वो एरिया के डेवलपमेंट की हुई थी। ये बोला गया था कि एरिया में डबल डेवलपमेंट किया जाएगा, डबल फंड दिया जाएगा सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर। हमने ये स्टेप अपने इलाके की जनता के हित में लिया था कि वहां पे डेवलपमेंट हो, और हमारी दूसरी कोई नियत नहीं। मैं तो निगम पार्षद भी नहीं हूं, चुनाव एमएलए का 2 साल के बाद है, और हमारे निगम पार्षदों ने भी ये सिर्फ स्टेप इसलिए लिया था ताकि इलाके का डेवलपमेंट की जो एक इमोशनल ब्लैकमेल किया गया था। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं सारे सवालों का जवाब कि ये बहुत भारी गलती हुई, इसके लिए मैं कांग्रेस परिवार से, अपने क्षेत्र के लोगों से सबसे माफी चाहता हूं। और आज हम कांग्रेस पार्टी में हैं, थे और रहेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद।